हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का वीडियो बहुत दिनों बाद आ रहा है, एक्चुअली महीने बाद आ रहा है, क्योंकि इसके पीछे भी एक रीज़न है। लास्ट मंथ मैं खुद बीमार पड़ गया था और उसके बाद माय ग्रैंड मदर डाइड, सो मेरी पूरी फैमिली को गांव जाना पड़ा था। इसके लिए एक भी वीडियो और अपडेट मैं दे नहीं सका, पर मेरे पास कैमरा भी अवेलेबल नहीं था, नहीं तो मैं कुछ तो अपडेट दे देता मेरे टैंक्स का, क्योंकि कपीज़ को भी बेबी हुआ है और मेरे टैंक्स भी अपग्रेड कर चुका हूँ मैं थोड़ा बहुत इसके लिए। तो लास्ट मंथ मैंने एक इंस्टाग्राम पे पोल डाला था और यूट्यूब पे भी मैंने पूछा था आपको कि एक कॉकाटेल या फिर एक अफ्रीकन लव बर्ड लूँ या फिर एक रेडियो स्लाइडर टर्टल लूँ। तो मेजॉरिटी लोगों ने कॉकाटेल के लिए वोट किया था, तो इसी रीज़न से मैं आज कॉकाटेल लेने जाने वाला। एक्चुअली ये वीडियो सब आने वाले हैं जो मतलब मैंने इसमें ऐड किए हैं ना, वो पहले से रिकॉर्ड थे, पर हमारा डेटा ही लॉस हो गया और कुछ फाइल्स डिलीट हो गए, तो इसके लिए जितना मैंने एडजस्ट किया है उसमें तो वो वीडियोस एंजॉय करना। एक्चुअली बहुत ट्रैफिक है यहाँ पे, तो देखते हैं हम लोग कितने देर में पहुँचते हैं। मैं पहले केज कैरी करने वाला था, पर मैंने दोस्तों ने रिकमेंड किया कि मत कैरी कर, वो लोग वैसे ही बैग में दे देते हैं, तो जब घर पर जाएंगे तब देखते हैं उसको उसमें ऐड करते हैं। एक्चुअली मैं आज नर्वस और एक्साइटेड भी हूँ, क्योंकि बहुत सालों बाद एक ऐसा पेट लाने वाला हूँ घर पे, और पता नहीं मेरी मॉम कैसे रिएक्ट करती है उसमें, देखते हैं। क्योंकि इतने साल तो मैंने सिर्फ ये एक्वेरियम ही रखे हैं, और लगभग अराउंड 6 to 8 ईयर्स पहले मेरे पास 4 बनीस थे, उसके बाद अभी ये पहले आने वाला। फिर देखते हैं हमारे फैमिली में क्या क्या ऐड होता है। ऑल राइट, तो अभी हमारे कॉकाटेल को रखते हैं, उन्होंने इसमें दिया है, बहुत मेहनत का काम है। अभी मैं आगे बैठता हूँ। 1 hour later. साव 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 विनाश साव आठ ले ले बंद एक दोन बंद कर छोड़ दो छोड़ा अरे भाई ऐसे भी खतरनाक होते हैं तेरे लिए। मैंने मेरा कॉकटेल बाय किया है, पर एक प्रॉब्लम ये हुआ है कि ये स्ट्रेस में है या फिर इसको डायरिया हुआ है ये हमको पता नहीं है, पर मैंने मेरे एक दोस्त से कंसल्ट किया था, उसने एक डॉक्टर से पूछा, तो उन्होंने दो मुझे मेडिसिन रेकमेंड किए थे बताए थे, तो फिर हम लोग उसको मॉर्निंग और इवनिंग में दो बार वो दे रहे हैं, तो देखते हैं इसका रिकवरी कैसे होता है। वैसे तो ये अभी नया है, इसके लिए मैं कुछ इसको कर नहीं सकता, फिर भी मैं ट्राई करता हूँ कि इसके साथ अच्छे से इंटरेक्ट करूँ। सो मैं एक बात बताना चाहता हूँ पहले ही, वो एक इम्पॉर्टेंट बात है जो क्लियर करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत से लोग बोलेंगे कि तुम एक बर्ड ले रहे हो उसको केज में रख रहे हो। एक्चुअली हमारे पास सिर्फ दो ही ऑप्शंस थे, एक तो ये ट्रेड कम्प्लीटली बंद करें क्योंकि बर्ड्स को भी फ्री रहना चाहिए, या फिर दूसरा ऑप्शन मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि ये सब एग्जॉटिक बर्ड्स है, मतलब ये ऑस्ट्रेलिया को बिलोंग करते हैं, तो फिर वहाँ से डायरेक्टली यहाँ पे डोमेस्टिक पर्पस के लिए ब्रीड करते हैं। तो हमारे पास तो सेकंड ऑप्शन यही है कि उधर शॉप्स पे इनकी लाइफ वेस्ट जाने से अच्छा हम इन्हें घर पे लाए और कुछ ट्रेन करें और थोड़ा बहुत सिखाए और फिर घर में फ्री रखें इनको, मतलब केज में ना रखें पर ऑलमोस्ट द होल टाइम इनको घर में ही रखें। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते, जस्ट गो एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर मोर अपडेट्स। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे होम स्टे सेफ एंड बी रेडी फॉर इंटरेस्टिंग कंटेंट।